दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर बिहार के चारा घोटाले की तरह राशन घोटाले के आरोप लगे हैं। मुसीबतों और केजरीवाल का चोली दामन के साथ की तरह कोई ना कोई विवाद हमेशा बना रहा है। एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर 10,589 राशन किट चोरी किए जाने के आरोप सामने आए हैं, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2016-17 में दिल्ली में राशन में बंटने वाला गेहूं एफसीआई के गोदामों से गायब होने की खबर से केजरीवाल सरकार विवादों में घिर गई। बिहार में हुए चारा घोटाले की तरह अब दिल्ली में अनाज घोटाला सामने आया है। जानकारी में आया है कि वर्ष 2016-17 में एफसीआई गोदामों से 10,589 राशन किट 207 गाड़ियों से सप्लाई होना दिखाया गया। आश्चर्य वाली बात यह है कि जिन 207 गाड़ियों में माल सप्लाई होना दिखाया गया, उसमें 42 गाड़ियों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। वहीं यह अनाज जिन नंबर की गाड़ियों से भेजा गया, उन गाड़ियों के नंबर स्कूटर, बाइक और टेम्पो के नाम से रजिस्टर्ड है। इस मामले पर भाजपा ने सरकार की मिलीभगत के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।